शारदा, अरे सुनती हो शारदा? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? तो शारदा है? नहीं। तो तुझे क्यों बताऊं? जा शारदा को भेज। नहीं आएगी। क्यों? मुझे क्या पता, सुबह से किसी से बात ही नहीं कर ली है। फिर कभी आम नहीं खाऊंगा। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, तू जा यहाँ से। शारदा, ये अच्छा है, घर की दोनों स्त्रियां यदि मौन व्रत धारण कर लेंगी तो कौन किसकी बात समझेगा और कौन किसकी बात समझाएगा? मैं हूँ ना, मैं समझा दूंगा तुझे। तू समझाएगा? स्वयं को समझ में आता है स्वयं क्या बोलता है? चढ़ा क्या से? अच्छा सुनो, मुझे कैसे कहूं, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? नृत्य नहीं कर रहे तो क्या कर रहे थे गुरुजी? खुजला रहे हैं, खुजला रहे हैं। तो क्या हुआ कि रात्रि अधिक मात्रा में आमों का सेवन कर लिया? काम हो गया हमारा, पूरे बदन में आग लगी है। रोया रोया जल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शरीर में ज्वालामुखी उठ रहा है। नृत्य नहीं कर रहे हैं हम। कोई बात नहीं गुरुजी, अति हुई है तो अंत भी हो ही जाएगा। खुजली यानी रोग, रोग यानी मृत्यु, मृत्यु यानी अगला जन्म, तो अगला जन्म यानी कि कुछ भी। जैसे कि कुछ। चुप, दुष्टों, चुप हो जाओ वरना वरना यही भस्म करके रख देंगे तुम्हें। जाओ जल्दी से वो पार्क निकालो, वैद्य जी के पास जाना है और वहां से दरबार भी जाना है। जो आ गया गुरुजी। रुको रुको रुको, रहने दो पार्क। ऐसा लग रहा है जैसे आज हम कहीं बैठ नहीं पाएंगे, ऐसे जाएंगे दरबार। हाँ, वो हम ये महाराज के सामने खुजलाएंगे कैसे? बहुत संयम से काम लेना होगा। चलो। महाराज कृष्णदेव राय की जय। 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 आचार्य जी, स्थान ग्रहण कीजिए। आप नहीं महाराज, हम ऐसे ठीक हैं। ऐसे कैसे ठीक है आचार्य वर? आप इस दरबार के राज पुरोहित हैं, यदि आप खड़े रहे तो। नहीं महाराज, हम ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं। किंतु कारण क्या है आपका इस तरह खड़े रहने का आचार्य? कारण वो, हाँ महाराज, वो हम सीधा समाधि से आ रहे हैं ना, तो वो भक्ति के ताप से हमारा शरीर तप रहा है। तो यदि हम बैठे तो हमारे ताप से हमारा ये बैठने का स्थान भी तप जाएगा, और यदि हमारा स्थान तप गया तो हम मतलब आज हम कहीं बैठ नहीं पाएंगे महाराज। क्षमा करें महाराज, परंतु यदि राजगुरु खड़े रहे तो ये उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा का अनादर होगा। तो जब तक आचार्य नहीं बैठ जाते हम सब भी खड़े ही रहते हैं। खड़े हो जाइए। नहीं नहीं, बैठिए बैठिए, हमारे लिए खड़े रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, बैठिए। अरे ऐसे कैसे ठीक है राजगुरु, आप खड़े रहे और हम बैठ जाएं? असंभव, खड़े हो जाइए। अरे अरे बैठिए ना आप लोग। अरे आचार्य, आप विदूषक महोदय, कृपया आप भी अपना स्थान ग्रहण कीजिए।
हम ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं हम, हैं? देखिए महाराज, जब ये ताप जो है ये कम हो जाएगा तो हम बैठ जाएंगे। धन्यवाद, हमारी चिंता करने के लिए धन्यवाद, बैठ जाइए। महाराज की जय हो। महाराज, ये सुंदरगढ़ राज्य के संदेश वाहक है, महाराज के नाम अपनी राजमाता का संदेश लेकर आए। महान सम्राट श्री कृष्ण देव राय को संदेश वाहक का कोटि कोटि नमन। महाराज, सुंदरगढ़ की राजमाता देवयानी का संदेश, क्या कहती हैं सुंदरगढ़ की राजमाता हमसे अपने संदेश में? ये एक संधि याचना है महाराज, राजमाता आपके राज्य से संधि करना चाहती है, अपने राज्य को आपके शासन को समर्पित करके अपने राज्य के लिए आपका आशीर्वाद चाहती है। ये तो हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है संदेशवाहक, कि राजमाता जैसी सम्मानित सक्षम और गौरवशाली महारानी हमसे संधि करना चाहती है। उनसे कहिएगा कि हमें उनका ये संधि प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार है। ये राजमाता के लिए अत्यंत हर्ष का विषय होगा महाराज, संधि के इस प्रस्ताव के साथ राजमाता ने आपके लिए कुछ उपहार भेजे हैं महाराज। यदि महाराज इन उपहारों को योग्य समझे तो इन्हें स्वीकार करके समस्त सुंदरगढ़ राज्य और राजमाता का सम्मान बढ़ाएं। इन उपहारों में विजयनगर की महारानियों के लिए कुछ विशेष उपहार भिजवाए हमारी राजमाता ने। अगर इस अवसर पर राज्य की दोनों महारानियों की उपस्थिति हो तो इन उपहारों का सम्मान बढ़ेगा महाराज। अवश्य। और ये अंतिम विशेष उपहार केवल महारानी जी के लिए। राजमाता द्वारा भेजा गया वो दुर्लभ सिंदूर पट है महाराज, जिसे विशेष रूप से महारानी के लिए बनवाया गया है। सौ से अधिक नकाशीकारों की कला का अनूठा संगम, सुंदरगढ़ के आभूषण विशेषज्ञों के महीनों का परिश्रम और अमूल्य दुर्लभ हीरों से जड़ित साज सज्जा, राजमाता ने महारानी जी के लिए यह उपहार सब प्रेम भेंट किया। कैसी विपत्ति? वही जो आने वाली है बंधु, जिसे मैं साफ साफ देख सकता हूँ। अरे कुछ बताएगा भी? कुछ मत पूछ बंधु, कुछ मत पूछ, बस प्रार्थना कर ईश्वर से कि महाराज इस विपत्ति की घड़ी में तीव्र बुद्धि से काम ले। अति सुंदर, अद्भुत है ये सिंदूर पट, अद्भुत। इतनी भाग्यशाली होगी वो स्त्री जिसकी शोभा बनेगा ये अविस्मरणीय उपहार। नहीं बोलना था महाराज, ऐसा नहीं बोलना था। महारानी,
महाराज, तो ये शानदार सिंदूरपट आप किस महारानी को भेंट करना चाहेंगे? क्या सोच रहा है रामा? तो औरतों के बीच में फंसना क्या होता है ये मुझसे अधिक और कौन समझ सकता है बंधु। वहां तो फिर भी एक पत्नी और एक माँ है, यहाँ तो दोनों ही पत्नियां हैं और सिंदूरपट एक। घोर विपत्ति बंधु, प्रचंड समस्या। अब आगे क्या होगा? धन्यवाद। भोजन कीजिए ना महाराज। हम आपसे कुछ कह सकते हैं? अवश्य महाराज। बड़ी महारानी, आप तो जानती हैं कि हम आपको कितना मानते हैं। जानते हैं। आपकी सुंदरता और बुद्धिमता के कितने बड़े प्रशंसक हैं। जानते हैं। हम हमेशा सबसे कहते आए हैं और कहते रहेंगे कि हमारी दोनों रानियों में से जो बड़ी रानी है वो विशेष है। विशेष इसलिए कि वो न केवल हमारी पत्नी है बल्कि एक मित्र, एक सलाहकार और कभी कभी तो एक बहुत ही सुलझी हुई मार्गदर्शक भी है। जानते हैं। आपका प्रत्येक निर्णय इतना सुलझा हुआ, इतना समझदारी से भरा होता है कि हम क्या कहें, शब्द नहीं हमारे पास आपकी प्रशंसा के लिए। जानते हैं। सब कुछ जानती हैं हम। इतनी सुलझी हुई है, इतनी समझदार हैं आप, तो ये भी अवश्य जानती होंगी कि हम आपसे क्या कहने का प्रयत्न कर रहे हैं। जानते हैं। जानते हैं। आप यही कहना चाहते हैं ना, महारानियां दो हैं और सिंदूरपट एक, और क्योंकि महारानी तिरुमलंबा भी छोटी है, नादान है, ना समझ है और बच्चों की तरह थोड़ी जिद्दी भी है, जी, तो आप सोच रहे हैं कि सिंदूर पर छोटी महारानी को दे दिया जाए। नजर उतारनी पड़ेगी। आप इतनी समझदार हैं आपकी, मोती दान किए होंगे हमने कि आप जैसी धर्म पत्नी मिली हमें। सत्य कह रहे हैं महाराज, पहले आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक नहीं महारानी, 100 प्रश्न पूछिए, 100 उत्तर देंगे हम आपको। पूछिए। रामायण में कैकेयी अपने पुत्र भरत को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, राजा बनाना चाहती थी जी। पर बना कौन? प्रभु श्री राम। क्यों बने? मतलब क्यों बने प्रभु श्री राम राजा? क्यों? हम बताते हैं। इसीलिए क्योंकि वो बड़े थे। महाभारत में सबसे शूरवीर, सबसे पराक्रमी और सबसे बड़े योद्धा तो अर्जुन थे जी। परंतु राजा कौन बना? युधिष्ठिर। क्यों बने? क्यों बने? बड़े थे। अच्छा ये सब जाने दीजिए, आप बताइए आप राजा कैसे बने? कैसे बने मतलब हम ही को राजा बनना था? बनना था, परंतु आप ही को क्यों बनना था? क्यों बनना था? क्योंकि बाकी सब कुल में हमसे छोटे थे, केवल हम बड़े थे। तो हमारे विचार से स्वामी वो सिंदूरपट तो हमें ही मिलना चाहिए, क्योंकि हम तिरुमलंबा से बड़ी हैं। देखा, हम ना कहते थे इस संसार में बल और बुद्धि का कहीं दुर्लभ संगम है, तो वो केवल आप हैं, हमारे पति। कितनी जल्दी समझ ली आपने हमारे मन की बात जी। स्वामी, तो संक्षेप में बात इतनी सी है कि वो सिंदूरपट तो हमें ही मिलना चाहिए, बस। वो सिंदूरपट आप स्वयं अपने हाथों से हमारे माथे पर सजाएंगे। महाराज, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, भिंडी लीजिए ना। जी जी, है है। महाराज, ना जाने छोटी महारानी को क्या हो गया है, बहुत ही गुस्से में है, सारा का सारा कक्ष तहस नहस कर दिया है, पूरा भोजन फेंक दिया है। महाराज शीघ्र चलिए। जी आप चलिए, हम आते हैं। हम आते हैं। हम समझ सकते हैं जी। कोई समस्या नहीं छोटी महारानी, यदि आप सिंदूरपट के लिए युद्ध चाहती है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। Mm-hmm.
छोटी महारानी जी, ये सब क्या है? क्या हुआ? आप इतनी दुखी क्यों हैं? आप हमें बताइए। अब आपको हमसे कोई प्रेम, कोई लगाव नहीं रहा। अरे किसने कह दिया आपसे? ऐसा नहीं है, हम निसंदेह प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं आपसे। तो बताइए हमें, तो इंसानों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? उनका रिश्ता। उस रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आपसे विश्वास। उस विश्वास में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? निसंदेह प्रेम। तो वही तो कह रहे हैं हम आपसे, वही तो नहीं करते आप हमसे, प्रेम। अब जब प्रेम ही नहीं है तो विश्वास कहां से होगा? जब विश्वास ही नहीं है तो किसी भी रिश्ते का क्या अर्थ? जब अर्थ ही नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ हुआ ना। जब सब व्यर्थ है तो हमारे निरर्थक जीवन पर हम रोए नहीं तो क्या करें, दुखी ना हो तो क्या करें? यदि आपको हमसे प्रेम होता तो क्या आज वो सिंदूर पर हमारे माथे की शोभा ना बढ़ा रहा होता? यही बात आप सीधे सीधे भी तो कह सकती थी ना, इतना लंबा मार्ग लेने की क्या आवश्यकता थी? छोटी महारानी, आप यहां बैठिए, आप शांत हो जाइए। हम कुछ करते हैं। कुछ करते हैं? नहीं, अर्थात वही करते हैं जो आप चाहती हैं। हम क्या चाहते हैं? यही कि उस सिंदूर पट आपको मिलना चाहिए। अरे स्वामी, आप कितने अच्छे हैं। वो दिन हमारे जीवन का सबसे स्मरणीय दिन होगा, जब आप अपने हाथों से हमारे माथे पर उस सिंदूर पट सजाएंगे। सिंदूर पट तो हमें ही मिलना चाहिए बस। वो दिन हमारे जीवन का सबसे स्मरणीय दिन होगा, जब आप अपने हाथों से हमारे माथे पर उस सिंदूर पट सजाएंगे। महाराज, प्रणाम आचार्य। आयुष्मान बाबा। क्या बात है महाराज, आप कुछ चिंतित से प्रतीत हो रहे हैं, सब ठीक है ना? सब ठीक नहीं है आचार्य वर। क्यों? जब से सिंदूर पट उपहार में आया है ना, हमारा सुख, हमारी शांति, सब कुछ स्वाहा हो गई है। सिंदूर पट एक और रानियां दो, और दोनों को सिंदूर पट चाहिए आचार्य वर। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। इसमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है महाराज? अपना विदूषक है ना, वो क्या नाम है उसका, रामा। रामा जी, उसे ये कार्य दे दीजिए। रामा जी, और विदूषक होते हैं किस लिए महाराज? उन्हीं का कार्य होता है ये, मनोरंजन करते करते, हंसते हंसाते बिगड़ी बात बना लेते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है महाराज कि वो ये कार्य सफलता से और सरलता से कर लेगा। क्या ये सचमुच संभव है? अवश्य संभव है महाराज। सिपाही, विदुषक रामकृष्ण को शीघ्र यहां बुलाइए। धन्यवाद आचार्य। पंडित रामकृष्ण, कैसी भिंडी लेकर आई? एक भी अच्छी नहीं। अम्मा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपको भिंडी खानी थी, भिंडी की तो ऋतु भी नहीं, फिर भी किसी तरह ढूंढ ढांड के आपके लिए भिंडी लेकर आए, तो ऐसे ही मिलेगी ना। अब क्या आपके लिए हम भिंडी बनकर उग जाए? तुझे भिंडी बन के उगने के लिए किसने कहा है? कहां की बात कहां ले जाती अम्मा, कहां की बात कहां ले गए? वही की बात वही तो है। ये रही भिंडी, ये रहे हम, ये रही आपकी शिकायत, ये रही आप। अले अंगड़ाई क्या ले ला आलसी, देख दोनों झगड़ लिए लोग उन्हें। जाजा, मैं क्या पागल हूँ जो दो औरतों के झगड़े में पड़ूंगा? और एक बात स्मरण रखना गुंडप्पा, कभी भी दो औरतों के झगड़े में मत पड़ना, क्योंकि उनका झगड़ा तो कभी समाप्त नहीं होगा, उल्टे उसमें पड़ने वाला अवश्य समाप्त हो जाएगा। धैर्य रख, कुछ देर बाद इन्हें स्वयं स्मरण नहीं रहेगा कि ये झगड़ किस बात पर रही थी। तब तक तो बची कुटी सब्जियां भी चढ़ जाएंगी, खाएंगे क्या? हवा
जब भूख लगेगी तो स्वयं पकाएंगी और देखना अंत में वो सड़ी हुई भिंडी ही बनेगी। प्रणाम विदूषक महोदय। हाँ प्रणाम प्रणाम। प्रणाम तो ठीक है बंधुवर, परंतु मुझे मेरे विदूषक होने का स्मरण कराना आवश्यक था क्या? खैर जाने दीजिए, ये बताइए आना कैसे हुआ? महाराज ने आपको शीघ्र अतिशीघ्र महल पहुंचने का आदेश दिया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.